इसको सेट कौन करेगा अब? नो मोर मंकी जंपिंग ऑन अ बेड। कलर है बाय का, यहाँ पे वो करी दम आ चुका है देखे। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द डे टू ऑफ दिस व्लॉग। तो ये व्लॉग उस दिन मैंने कंटिन्यू नहीं करता क्योंकि मेरी तबीयत सही नहीं थी, तो ये नेक्स्ट डे मैं कंटिन्यू कर रही हूँ और मेरा हाथ थक जाएगा तो थोड़ी सी बातें करनी है, तो ये कैमरा यहाँ रख देते हैं। तो सीन कुछ ये है कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी और मुझे एमरजेंसी में जाना पड़ा हॉस्पिटल, और जिसकी वजह से ऑक्सीजन कम हुई थी, जैसे कि आपको अभी भी दिख रहा है कि मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ तो मुझे सांस लेने में थोड़ा सा इशू हो रहा है। तो जो है मुझे ऑक्सीजन मास्क भी लगा था और यहाँ पे मुझे ड्रिप लगी थी कैनूला, अभी तक मेरा इसका दर्द और निशान भी है, तो ड्रिप भी लगी थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी और मुझे लगा था कि वो टाइम आ गया है पर नहीं आया था। पर अभी है, काफ़ी टाइम है, पर एमरजेंसी में जाना पड़ा था तो मुझे ऐसा फील हो रहा था कि हो सकता है हो जाए पहले ही ये वो। तो मैं किस बारे में बात कर रही हूँ? यस, मैं इस बारे में बात कर रही हूँ, आई एम एक्सपेक्टिंग माई थर्ड बेबी। तो इस वजह से मेरी तबीयत थोड़ी सही नहीं चल रही थी और मैं इतने दिनों से इस वजह से व्लॉग्स नहीं डाल पा रही थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा, मुझे वीकनेस थी बहुत ज़्यादा कि मुझसे कोई काम नहीं हो पा रहा था, तो इस वजह से जो है व्लॉग्स नहीं आ रहे थे। तो मैंने काफ़ी मंथ्स तक व्लॉग नहीं डाले थे, जब आई थिंक काफ़ी दिन हो गए, मैंने देखा भी नहीं कब मैंने लास्ट व्लॉग अपलोड करा था। तो मैं इतने दिनों बाद व्लॉग भी बनाई ना तो मुझे अजीब लग रहा था, मैंने सोचा पहले आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल बता देते हैं, उसके बाद जो है आगे पूरा दिन क्या होने वाला है वो भी दिखाएंगे। तो सीन ये था कि अम्मी और असद अभी आ गए हैं फाइनली और मुझे बहुत खुशी हो रही है। इससे पहले वाला व्लॉग अगर आपने नहीं देखा तो वो देख लीजिएगा, उसमें जो है वो जब आए थे और हम लोग उमरा करने गए थे तो वो सारी चीज़ें अपलोड मैंने कर दी हैं। तो वो लोग फाइनली आ गए, मुझे बहुत खुशी हो रही। वैसे उन्हें आना तो दिसंबर में था पर मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो रही थी, सही नहीं चल रही थी और मैं स्लिप होके भी गिर गई थी क्योंकि मेरे बच्चे ने पानी गिरा दिया था, मैंने देखा नहीं और मैं स्लिप भी हो गई थी, तो उसकी वजह से भी मेरी तबीयत और ख़राब हो गई थी। तो आरिस ने अम्मी को जल्दी बुला लिया था कि आप जो है जल्दी आ जाएँ, तो वो जल्दी आ गई थी मेरे लिए दिसंबर की जगह वो नवंबर में आ गई। तो अभी उनको आए हुए एक महीना भी हो गया है और मुझे डॉक्टर ने सारे काम वगैरह करने से सब मना कर दिया था कि आप झुक नहीं सकती हैं और अगर आपको मजबूरी में कोई काम करना भी पड़ जाए तो आप रेस्ट कर करके बैठ के करेंगी। तो मैंने बोला ठीक है, पर खैर अम्मी के आने के बाद तो मुझे वैसे भी कुछ नहीं करना पड़ रहा है, उन्होंने मुझे टोटली रेस्ट दिया हुआ है, मैं एक काम को हाथ नहीं लगा रही, एक महीना हो गया इवन मैं किचन में भी नहीं गई हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह अम्मी के आने से पहले सारा काम हारिस मैनेज कर रहे थे, हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हारिस और अम्मी ने सब मैनेज कर लिया था, तो अच्छे से ये टाइम गुजर गया अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सब सीन थे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, जो मैंने आप लोगों को शॉर्ट में करके बता दिया। और फिर अम्मी के आने के बाद हम लोग उमरा करने भी चले गए थे, हम वहाँ पे 1 वीक रुके, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा। और इस पूरे टाइम में हारिस ने बहुत हेल्प करी है, बहुत ज़्यादा हेल्प, क्योंकि मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, मुझे इतनी वीकनेस थी कि मैं खड़ी होती थी ना मेरा सर गोल गोल घूमने लगता था और मैं वहीं पर बैठ जाती थी क्योंकि मुझसे हो ही नहीं पा रहा था। तो बस फिर अब अम्मी के आने के बाद तो वैसे ही और कुछ काम नहीं करना पड़ता, अम्मा के आने के बाद तो वैसे ही अयाशियाँ लग जाती हैं, आप लोगों को तो पता ही है। तो बस चले जी, ये टाइम इतना तो गुजर ही गया है, अब आगे कितना टाइम रह गया है वो तो मैं आप लोगों को नहीं बताऊँगी, और थोड़ा सा ही रह गया है, ज़्यादा नहीं रह गया, तो इंशाल्लाह ये टाइम भी बहुत अच्छे से गुजर जाएगा और फिर आप लोगों के साथ सारा एक्सपीरियंस शेयर करूंगी। इस दफ़ा मैं अपना हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस और वहाँ पे क्या होता है, कितने दिन रुकना पड़ता है और नॉर्मल है, सी सेक्शन है, सब चीज़ें मैं आप लोगों के साथ लाजमी शेयर करूंगी और हॉस्पिटल जब जाऊंगी क्या सीन होता है ये सब चीज़ें मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। तो जी चलें, सही है, मैंने आप लोगों को काफ़ी पका दिया है, तो चलें आप लोगों से आगे व्लॉग कंटिन्यू करते हैं, बताती हूँ कि आज मैं पूरा दिन क्या करने वाली हूँ, आराम के अलावा जो करूँगी वो बताती हूँ। आज के इवनिंग स्नैक्स में बनाया है शवरमा, इसमें मैंने अपनी स्पेशल ये सॉस है शवरमा सॉस, ये मैंने खुद बनाई है और इसको मैंने ऐड करा है शवरमा में, और इसमें है बीफ पैटी, मिक्स वेजीज, कैबेज और चीज़। अब हम इसको फोल्ड करेंगे और इसको रख देंगे तवे पर सेकने के लिए। Guys, this is our evening snacks and it's so yummy. Guys, आज मिया जी की फरमाइश आई थी कि बहुत दिन हो गए तुमने पुलाव बना के नहीं खिलाया, तो आज तुम पुलाव बना के खिलाओ। मैं कुछ एक महीने बाद किचन में जा रही हूँ, आज मैंने शवरमा भी बनाया और मुझे इतना अजीब लग रहा था खाना बनाते हुए, जैसे लग रहा था मैं भूल गई हूँ। तो चलें उनकी फरमाइश पूरी करते हैं और बनाते हैं पुलाव। तो बनाना है मटन पुलाव, तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं पुलाव कैसे बनाती हूँ।
सो गाइज यहाँ पे हो रहे हैं हमारे पास आलू फ्राई। मैं फ्राई करके डालती हूँ क्योंकि इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और यहाँ बन रही है मटन की यखनी। मैंने हड्डी वाला मटन लिया है और इसके अंदर डाला है एक होल अनियन, एक होल गार्लिक और धनिया एंड देखो मैं नाम भी भूल गई हूँ इतने दिनों बाद, धनिया एंड क्या डाला था मम्मी, सौंफ। हाँ तो बस ये सीन था, मसाले याद है नाम भूल जाती हूँ, बस ये सीन होता है मेरे साथ। तो चलें ये गोश्त भी गलने वाला है और इसकी यखनी भी रेडी होने वाली है। यहाँ मैंने अनियन फ्राई करे थे और अनियन फ्राई करने के बाद इसके अंदर मैंने ऐड करा है मटन और उसके मटन की यखनी के अंदर जो गार्लिक और अनियन होल बॉयल हुए थे उसको मैश करके इसमें ऐड कर दिया और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करके इसको मैं अच्छे से फ्राई करूँगी। और आलू भी बस हमारे होने वाले हैं, फिर मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना होगा। अब मैंने इसको अच्छी तरीके से भून लिया था गोश्त को। अब इसमें मैंने योगर्ट और पुलाव मसाला ऐड करा है। अब इसको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी, गिरने वाली थी बच गई। तो चलिए इसको मैं अच्छे से मिक्स करके और तेज़ आंच पे भून लूँगी जब तक इसका ऑयल ऊपर नहीं आता, ताकि मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए और भून जाए। मसाला अच्छे से भुन गया था, उसके बाद मैंने इसमें मटन की यखनी ऐड कर दी है जितने राइस थे उसके हिसाब से। अब जैसे ही इसमें बॉइलिंग पॉइंट आएगा इसमें मैं राइस ऐड कर दूंगी। ये रहे हमारे वॉश्ड राइस और उसके बाद चेक करूंगी अगर सॉल्ट कम होगा तो सॉल्ट ऐड करेंगे अपने हिसाब से, सॉल्ट टू टेस्ट। राइस ने पूरी यखनी सोक कर ली, अब मैं इसको लगा दूँगी दम पे और फिर ये दम हो जाएंगे तो ये रेडी हो जाएंगे। हमारा दम आ चुका है, देखें कितना अच्छा दम आया है और ये रेडी हो चुकी है। गाइस लिटरली बहुत मज़े का पुलाव बना था और हारिस ने अम्मी ने सब ने इतनी तारीफ़ें करके खाया और बोला कि बहुत दिनों बाद तुमने बनाया पर बहुत मज़े का बना है। रैयान रैयान इधर देखो, कुनाफा गुड। धोनी यमी इधर देखो, डन कर दो। द नेक्स्ट डे ऑयल लग गया आपके? हाँ। अब मम्मा की टाइम है ऑयल की। किसने लगाया ऑयल आपके? अम्मी। जोहान के भी लग गया वो देखो। मजा आया ऑयल लगा के? हाँ। और इतने दिनों बाद मेरी चंपी हो रही है, सुकून मिल रहा है। मेरी अम्मी ने लगाया। आज था फ्राइडे का दिन तो हम लोग जो है नाश्ता वगैरह करके सब फ्री हो गए थे। फिर इवनिंग टाइम पे मैंने सोचा कि अम्मी के लिए शवरमा और स्वीट कॉर्न्स बनाते हैं और उन्हें ट्राई कराते हैं कि मैं कैसे बनाती हूँ। तो फिर मैंने उनको ट्राई कराया तो उन्हें अच्छा लगा। क्या अच्छा बना है आपका चॉकलेट बर्गर? नम नम चॉकलेट बर्गर भी कोई खाता है बताओ जरा। अच्छा ये चॉकलेट बर्गर, ओके। और यहाँ मेरे खट्टे आलू रेडी हैं, यम्मी। अब मज़े से मैं इसको खाऊंगी। इतना मुंह में पानी आ रहा है ना देख के, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती, आप लोगों के भी आ रहा होगा है ना। अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू द डे 3 ऑफ दिस व्लॉग। मैं अभी बैठी हुई थी तो मुझे याद आया कि अरे मुझे आप लोगों को कुछ दिखाना था और मैं भूल गई दिखाना। हम गए थे मक्का के बाद जद्दा, आप लोगों ने व्लॉग में तो देख लिया होगा, जिन्होंने नहीं देखा तो जाके मक्का मदीने वाले व्लॉग इससे पहले अपलोड हो चुका है तो आप लोग जाकर देख सकते हैं।
तो वहाँ पे जाकर देख लें। तो हम जद्दा गए थे तो वहाँ पे अम्मी की फ्रेंड रहती हैं और उन्होंने मुझे इतना कोई प्यारा गिफ्ट दिया था और वो ये रखा हुआ है। मैंने कब से रखा हुआ था कि मैं अभी व्लॉग बनाऊंगी और मैं आप लोगों को दिखाऊंगी और मैं रोज़ भूल जाती थी। तो बस अब मैं आप लोगों को ये गिफ्ट दिखाती हूँ। इसकी अनबॉक्सिंग तो मैं पहले कर चुकी थी। इवन इसका बैग रियान साहब ने जज्बात में आके खोलने की कोशिश करी कि मुझे देखना है और उन्होंने ऊपर से उसकी जिप तोड़ दी। तो इस वजह से मैंने फिर इसको इस ब्लैक कलर के इसी का साइज के शॉपर में रख दिया क्योंकि वाइट कलर का है तो गंदा हो जाएगा। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कितना प्यारा गिफ्ट मिला है मुझे। आई लव इट। ये देखें, ये इसका बैग है और इतना प्यारा बैग में था कि रियान साहब ने जज्बात में इसको खोलने की कोशिश करी और ऊपर से इसकी जिप वगैरह तोड़ दी। पर खैर बैग की खैर है, अंदर की चीज़ दिखाती हूँ कि कितनी प्यारी है। इसको मैं खोलती हूँ पहले, इसमें से निकालती हूँ और फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, ये कितनी प्यारी जानमाज है। ये इस तरह से फोल्ड हुआ हुआ था और यहाँ पे ये अबाया है। ये मैं आप लोगों को अभी पहन के दिखाती हूँ। और ये इसके साथ, ये मुझे ना पहले लग रहा था कि ये उसका कुरान पाक का कवर है, बट फिर मुझे लगा कि ये यहाँ रख के सजदा करते होंगे, बट आई डोंट नो, पर मुझे लग रहा है कि यहाँ रख के इसको सजदा करते हैं। और ये देखें, ये कितनी प्यारी जानमाज है। उसका कलर देखें कितना प्यारा है, उस पर डिज़ाइनिंग इतनी प्यारी हुई हुई है, बहुत प्यारी लगी थी मुझे। तो इसलिए मैंने इसको, और ये वाइट कलर की भी है तो इसलिए मैंने इसको ब्लैक कलर की कीज़ में रखा ताकि ये ख़राब ना हो। और मैं अब आप लोगों को ये अबाया पहन के दिखाती हूँ। ये अबाए पे तो मेरा इतना दिल आया हुआ है ना, पर मैं सोच रही हूँ कि मैं इसको कहाँ पहनूँ, और पहन लिया तो फिर ये वाइट से ब्लैक ना हो जाए बच्चों के साथ। तो चले पहन के दिखाती हूँ आप लोगों को। ये देखिए गाइस, ये कितना प्यारा कलर है अबाए का। आप लोगों को करीब से दिखाती हूँ, इसकी डिज़ाइनिंग देखें। इस पर जो एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है ना, वो इतनी प्यारी लग रही है। और यहाँ पे इसके नॉट है, यहाँ पे नॉट बांध देंगे तो ये आगे से पूरा बंद हो जाएगा और ये कुछ इस तरह दिख रहा है, ये देखें। और ये जो दुपट्टा है ये इसके साथ ही अटैच है और इसको मैंने अंदर करा ये इस तरह से, पर मुझे ये ऐसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि इसको इस तरह से पहनेंगे और ये अटैच है इसके साथ ही, और इसको मैंने ऐसे कवर कर लिया। और ये देखें, इसकी स्लीव्स पे जो है इलास्टिक लगी हुई है। तो सबसे अच्छी चीज़ मुझे अबाए में ये लगती है कि ना स्लीव्स में इलास्टिक होनी चाहिए ताकि हम हाथ जैसे भी करें ना वो ऊपर ना जाए। और इसका डिज़ाइन इतना प्यारा है और इतना सिंपल सा एलिगेंट सा, यस बेबी, और इतना सिंपल सा एलिगेंट सा है कि बस मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत प्यारा लगा है मुझे, बहुत प्यारा गिफ्ट है। यस, आप क्या करना है यहाँ पर, क्या करना है आप यहाँ पे? Hey, no more monkeys jumping on a bed. Come down. Come down. No more monkeys jumping on a bed. Down. यहाँ मैं आप लोगों को अबाया दिखा रही थी और ये आ गए। मैंने जल्दी से कवर करा कि कहीं गंदा ना हो जाए क्योंकि मुझे बहुत प्यारा लगा ये। और अगर इस पे गंदे हाथ भी लग गए ना, और ये वाइट कलर है, इतनी आसानी से इस पे से निशान नहीं जाएंगे। तो मैं यही सोच रही थी ये मैं कहाँ पहनूंगी, मैं जल्दी से इसको रखूँ उठा के। बेबी कम डाउन, नो जंपिंग। ये हमारे नोनी भाई हैं, ये बैग पहन के बाय बाय कल के जा रहे। कहाँ जा रहे हैं आप? वेयर आर यू गोइंग? कहाँ जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग? टोली कर ना, कैमरे में देख के इनको हंसी आ जाती है। इन्होंने अपना नाम रखा है नोनी। का है, व्हाट्स योर नेम? आपका नाम क्या है? नाम का है बता दो ना। नोनी है। इस बच्चे ने अपना नाम नोनी लगाया। नोनी नोनी नोनी। इन्होंने बैग पहन लिया और मुझे बाय बाय करके जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे बाय बाय? जाओ खुशी जाकर दिखो। हाँ ओह, बाय 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 बाय। देख कर आए बाबा आ गए, देख कर आए बाबा आ गए। हाँ बाबा बाय 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 कर दो, बाय बाय करके जाओ। आराम से आराम से। वेयर आर यू गोइंग बोथ ऑफ यू? बाय बाय। इन दो हदद बच्चों ने ना गाइज, मैं आप लोगों को बता नहीं सकती कितनी तबाही मचा के रखी है। और ये क्या हाल करे बेडशीट का? अरे अरे अरे, गिर जाओगे। अरे या अल्लाह, इस छोटी दुनिया को ना बिल्कुल भी डर खौफ नहीं है, जंप मार देता है कहीं से भी। हारिस ये क्या करा है आपने 5 मिनट के अंदर अंदर? ये बेडशीट का हाल यार। अरे चोट लग जाएगी, जंप। और ये जो हमारी छोटी दुनिया ना, मैं हाल दिखाती हूँ कि इन्होंने अपनी
कबर्ड का हाल क्या करे, बस नो जंपिंग नो जंपिंग शी डाउन। यार गाइस मैं थोड़े दिन बीमार क्या हो गई, मुझसे कुछ हो नहीं रहा था, तो ये आप लोग हाल देख सकते हैं इस कबर्ड का क्या हो रहा है। नो नो रयान, हैरी देखें, लुक बाबा लुक, ये देखें। अब इसको मुझे कल ठीक करना है लाजमी। चलो बच्चे तो बच्चे, चलो ये क्या हो रहा है, नो फाइटिंग, तबाही तबाही हो रही है, तबाही हो रही है, तबाही हो रही है। अच्छा सही है, वो देखो मोबाइल कैसे चला रहे बड़े मजे से। हेलो टुटू, कुकू से बात कर रहे हैं। हाँ तो गाइज मैं आप लोगों को दिखा रही थी बड़े तो बड़े छोटे, सॉरी छोटे तो छोटे, बड़ों का भी ये हाल है कि जो हमारे बड़े बेबी हैं ना, ये इन्होंने इन्होंने भी यही हाल करा है, रियान जोहान वाला। क्या करा है ये आपने अपने पोर्शन के साथ, पता नहीं क्या करा है आपने। यार यार ये देखिए, मुझे अब ये वाला भी पोर्शन ठीक करना पड़ेगा, इसमें नाइट सूट रखे हुए थे सारे और ये ऐसी तबाही मची है। और ये जो हमारे छोटे आदत बच्चे ना, छोटे आदत वन और ये छोटे आदत टू, छोटे आदत टू जो है ना वो नाराज़ हो गए मुझसे क्योंकि मैंने उनको तबाही नहीं मचाने दी। तो बस अब इसको सही करेंगे, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैं रेस्ट कर रही थी तो रयान जोहान आते थे इस रूम में, अलमारी खोल के ये देखें ज़रा, चाइल्ड लॉक भी तोड़ दिया इन चाइल्ड्स ने, ये देखें मेरी अलमारी ख़राब नहीं करना, छोटी दुनिया भागो यहाँ से। और इन लोगों ने कपड़े यूं यूं निकाले और फिर मजबूरन मुझे यूं यूं रखने पड़े, अब इनको मुझे सेट करना पड़ेगा तो इसको कल सेट करते हैं। ये है ना ये पीस, इन्होंने भी अभी नाराज़ हो गए थे, ये अभी नाराज़ हो गए थे। ये क्यों कल है आप लोगों ने, इसको सेट कौन करेगा, अब यान नहीं करा, नहीं 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 और नहीं खराब करनी है, और नहीं खराब करनी है इसको, हटो यहाँ से दोनों, ये देखे फिर आ गए तबाही मचाने, और नहीं खराब करनी इसको, और नहीं खराब करनी, भागो यहाँ से दोनों। हाँ देखें ये फिर तबाही शुरू हो गई, ये आधी रात में ना सोना है, मैं बॉक्सेस को रख रख के थक गई हूँ और ये जो है ना सब चीजें नीचे फेंक देता है। नोनू नोनू गंदा बेबी, गंदा बेबी है ये, वापस रखो पहले इसको, पहले इसको वापस रखो, फिर पुट इट बैक, पुट इट बैक। यार आधी रात में सोने का टाइम है, चलो सो जाओ, चलो चलो सोते हैं, लेट्स गो। यहाँ पे मस्तियों के मूड में और अब इनके सोने का टाइम है, चलो निन्नू करते। ओह मेरा दिल चाह रहा है ना मैं सो जाऊँ, शदीद वाली नींद आ रही है मुझे। तो चले अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, इंस्टाग्राम पे फॉलो मस्त है, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, कॉमेंट कर दें, और क्या कर लें, शोर की आवाज आ रही होगी, बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें। चले मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय 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 बाय। और ये देखें इनकी तबाही है, चेक करें इनकी बस।